नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जीवाणुओं का वर्गीकरण उनके आकार के आधार पर, उनके शेप के आधार पर कि वो दिखते कैसे हैं, गोलाकार हैं, वो रॉड लाइक हैं, वो कोमा शेप हैं, या वो सर्पिलाकार हैं, किस प्रकार का आकार उनका दिखता है उसके आधार पर यहाँ पर एक एनसीईआरटी के अंदर छोटा सा क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो देखिए हम उस क्लासिफिकेशन को स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखें हम किसके आधार पर बात कर रहे हैं, तो हम आकार के आधार पर, शेप के बेस पर हम बात कर रहे हैं कि जीवाणु जो है वो कितने समूह में, चार समूह में वर्गीकृत किए गए हैं। कौन कौन से? कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरली और विब्रियो। सबसे पहले तो इनको आप ध्यान में रखें कि हिंदी में इनको क्या कहते हैं। तो ये हैं आपके गोलाकार या गोलाणु, आप कह सकते हैं गोलाकार जीवाणु। बेसिलाई जो है वो आपके कैसे हो गए? बेसिलाई आपके हो गए बिल्कुल रॉड शेप, है ना, यानी आप छड़ नुमा कह सकते हैं। तीसरे आ गए स्पाइरिला, स्पाइरिला आपके कैसे हो गए? सर्पिलाकार हो गए। और जो लास्ट आपके विब्रियो हैं वो कैसे हो गए? तो ये हो गए आपके कोमा शेप या कोमा के आकार, कोमा आकार के, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो कोकाई को गोलाकार जीवाणु या गोलाणु के नाम से भी जाना जाता है, बेसिलाई को छड़नुमा है तो दंडाणु के नाम से भी जाना जाता है, स्पाइरली जो है वो आपके सर्पिलाकार जीवाणु है, और विब्रियो जो है उसमें आपके आ जाते हैं कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। अब इन चारों के हम थोड़ी सी डिटेल से यहां पर बात कर लेते हैं। देखें सबसे पहले आ जाता है कोकाई। अब देखिए कोकाई जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, कैसा है? बहुवचन शब्द, यानी बहुत सारे कॉकस बैक्टीरिया जो है वो मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? कोकाई का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर हम केवल एक बैक्टीरिया की बात करें तो सिंगुलर वर्ड इसका कौन सा हो गया? कोकस हो गया। तो ध्यान में रखें कोकस, कोकस जो है वो एक वचन है और कोकाई जो है वो क्या है? बहुवचन शब्द है, ठीक है ना। तो बहुत सारे गोलाकार जब जीवाणु एक साथ हो तो उन्हें आप सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं? कोकाई कह सकते हैं। और एक अकेले की बात करें तो वो हो जाएगा आपका कोकस, ठीक है। कैसे होते हैं? तो शेप तो अपने को पता है पहले से, गोलाकार। उसके बाद में सबसे ज्यादा छोटे आकार के, सबसे ज्यादा सूक्ष्म आकार के, तो सबसे ज्यादा सूक्ष्म कौन से मिलेंगे आपको? कोकस मिलेंगे, ठीक है ना। और विभिन्न प्रकार के जो एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस, या फिर कह सकते हो विभिन्न प्रकार की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो कोकाई के अंदर मिलता है। अब एक जनरल और एक छोटा सा फिनोमिनोन मैंने यहां पर बताया है। ये फिनोमिनोन केवल कोकाई के अंदर नहीं बल्कि इन सब के ऊपर अप्लाई होता है। मैंने एक का बता दिया आपको, कैसे समझिएगा। ये रहा आपका एक सिंगल बैक्टीरिया, सिंगल गोलाकार बैक्टीरिया, क्या कहेंगे इसको? इसको आप कहोगे कोकस। क्या है? कोकस। सबको मिलाया हमने तो ये क्या बन गया आपका? कोकाई। सारे के सारे एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे इनको? सबको हम सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? कोकाई कहेंगे। अब देखें दो कोकस बैक्टीरिया जब आपस में मिले, दो, ये एक कोकस ये दो कोकस, एक नंबर ये दो नंबर, जब ये आपस में जुड़े अटैच हुए तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकस। जब बहुत सारे कोकस इस प्रकार से एक कह सकते हैं अपन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन अगर करते हैं, है ना, एक सिंपल लॉन्गिट्यूडनल या फिर कह सकते हैं लीनियर रेंज में जब अरेंज्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। तो यानी स्ट्रेप्टो वर्ड किसके लिए है? स्ट्रेप्टो वर्ड इस अरेंजमेंट के लिए। जैसे डिप्लो, डिप्लो वर्ड का मतलब हो गया यहां पर दो, ये इस अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा डिप्लो। इसी प्रकार से स्ट्रेप्टो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। कोकस आपको पता है,
कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया है उनके लिए। और स्टेफाइलो की बात की जाए तो ये रहा आपका स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस में कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये केवल और केवल कोकाई के लिए या कोकस के लिए नहीं है, बल्कि ये बेसिलाई के लिए भी हो सकता है, ये स्पाइरली के लिए भी हो सकता है, और ये विब्रियो के लिए भी हो सकता है। कैसे देखें, अगर बेसिलाई की बात करें तो यहां इसकी जगह आप दो कोकस की जगह आप क्या ले लेंगे, दो बेसिलस ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिप्लोबेपस है ना, क्या हो जाएगा इसकी जगह। अगर आप यहां पर दो बेसिलस ले लेते हैं किसकी जगह, कोकस की जगह, तो क्या नाम हो जाएगा, डिप्लोबेसिलस हो जाएगा। यहां पर दो स्पाइरली लोगे तो डिप्लो स्पाइरली हो जाएगा, अगर दो विब्रियो लोगे तो डिप्लो विब्रियो हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिप्लो वर्ड का मतलब यहां पर दो। इसी प्रकार से अगर बात करें स्ट्रेप्टो की, तो यहां पर देखें अगर हम बहुत सारे बेसिलस बैक्टीरिया को इसी फॉर्म में अरेंज करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर, तो आपको ध्यान में रखना है ये हो जाएगा आपका स्ट्रेप्टोबेसिलस। इसी प्रकार से स्टेफाइलोबेसिलस, इसी प्रकार से आप कह सकते हैं स्ट्रेप्टो स्पाइरली और स्टेफाइलो स्पाइरली। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि स्ट्रेप्टो विब्रियो और स्टेफाइलो विब्रियो, इस तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जनरली जो इस तरीके के अरेंजमेंट मिलते हैं आपको, वो किस में मिलते हैं, वो या तो कोकस में मिलते हैं या फिर वो बेसिलस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको डिप्लो बेसिलस भी मिलेगा, स्ट्रेप्टो बेसिलस भी मिल सकता है, स्टेफाइलो बेसिलस भी मिल सकता है। तो ये एक अरेंजमेंट है जो आपको थोड़े से दिमाग में रखने हैं। बाकी जनरली एनसीईआरटी के अंदर इस कंडीशन को ही मेंशन किया हुआ है कि भाई कोकस, कोकस का मतलब होता है राउंड शेप या गोलाकार। दूसरा हो गया बेसिलाई, बेसिलाई का मतलब है यहां पर, बेसिलाई एक प्लूरल वर्ड है। और अगर हम बात करें कि जो आपका सिंगुलर वर्ड है तो वो कैसा है आपका, बेसिलस हो जाएगा, यानी एक बैक्टीरिया है तो वो बेसिलस। किस बेस पर इसका नाम रखा है, तो इसके शेप के बेस पर देखें कि किस आकार के होते हैं, ये रोड शेप होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं, और अधिकांशतः जो बैक्टीरिया हैं वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया किसमें आते हैं, बेसिलाई के अंदर आ जाते हैं, बेसिलस कैटेगरी के होते हैं। उसके बाद में देखें कि इनके एग्जाम्पल्स भी आपको एक एक एग्जाम्पल जो दे रखा है वो ध्यान में रखना है कि जैसे कोकाई का एग्जाम्पल हो गया डिप्लोकोकस न्यूमोनी, आप इसी प्रकार से स्ट्रेप्टोकोकस बता सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस बता सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस कुछ याद आया हो तो आपको ध्यान में रखें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो पेनिसिलिन की खोज के लिए मशहूर है, फेमस है, वो पेनिसिलिन की खोज के दौरान किस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, तो वो स्टेफाइलोकोकस पर ही काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो एक छोटा सा पॉइंट दिमाग में आया, वो मैंने बता दिया, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखें रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं और अधिकांश जो जीवाणु हैं वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया कौन सी श्रेणी में आते हैं, बेसिलाई के अंदर, ठीक है ना, छड़ के आकार के हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं यहां पर, और एक यहां पर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो किस में आते हैं। तो देखो नाम आ जाता है ना ई कोलाई, लेकिन कोलाई कोकस या कोकाई वर्ड नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ई कोलाई किस में आते होंगे, ई कोलाई क्या कोकस में, नहीं, बल्कि ई कोलाई आ जाते हैं बैसिलस बैक्टीरिया में। इसी प्रकार से बैसिलस थुरेंजियंसिस आप बताते हैं, जो क्राइजिन बीटी कॉटन के अंदर हम यूज लेते हैं उसकी बात। उसके बाद में नेक्स्ट रहता है आपका स्पाइरली, प्लूरल वर्ड है स्पाइरली, बहुवचन शब्द है स्पाइरली, लेकिन अगर एक वचन शब्द की बात करें तो एक वचन में हम इसे बोलते हैं स्पाइरिलम। क्या कहते हैं इसे, स्पाइरिलम। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इसी प्रकार से, है ना, कोई अलग से वर्ड नहीं है हिंदी के अंदर, आप इसे ही स्पाइरली या स्पाइरलम इसी प्रकार से हिंदी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में वैसे ही आपको यहां पर नाम नहीं आ रहा है स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब होता है सर्पिलाकार, तो ये जीवाणु किस प्रकार के होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं। कैसे होते हैं, सर्पिलाकार, स्पाइरल शेप होते हैं, इसलिए इनको कह दिया हमने यहां पर स्पाइरल। अब देखिए ये रहे आपकी इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है इसके डायग्राम में, कि ये रहे आपके जो स्पाइरलम या स्पाइरली है वो, लेकिन इनके दोनों छोर पर फ्लैजिलम देखने को मिलते हैं। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं फ्लैजिलम।
है ना। तो दोनों छोर पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, फ्लैजिलम देखने को मिलेंगे, कशाबिक देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, स्पाइरुला वॉल्यूटेंस, एक एग्जाम्पल है स्पाइरुला वॉल्यूटेंस, और दूसरा है आपका ट्रोपोनिमा, है ना। ये दोनों एग्जाम्पल कौन सी कैटेगरी के हैं, स्पाइरुली या स्पाइरुलम आप कह सकते हैं। और एट लास्ट या फोर्थ आ जाता है आपका विब्रियो। विब्रियो के अंदर कौन से, कोमा के आकार के, हिंदी में अपन कोमा लगाते हैं ना, उस कोमा के आकार के बैक्टीरिया आपको यहां पर देखने को मिलते हैं विब्रियो में, ठीक है। और एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी, क्या है, विब्रियो कॉलेरी हो गया। तो डायग्राम आप देख सकते हैं, ये रहे कोमा शेप। तो एक तो चीज आपको कि डायग्राम सारे दिमाग में रखने हैं कि कौन सा किसका है, है ना। फर्दर मैं वापस बता रहा हूं, कोकाई राउंड शेप बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी एग्जाम्पल आप ध्यान में रख सकते हैं, बैसिलाई जो है वो सिंगुलर है आपके इसमें, इसको बैसिलस कह सकते हैं आप। कौन से रोड शेप बैक्टीरिया आ जाएंगे इसके अंदर, स्पाइरुलम में आपके सर्पिलाकार बैक्टीरिया आ जाएंगे, और विब्रियो के अंदर जो है आपके कोमा शेप या कोमा के आकार के बैक्टीरिया आ जाएंगे।